हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ उमर शाहिद एंड वेलकम टू माय फर्स्ट पॉडकास्ट वीडियो। आज मेरे साथ हैं फ्यूचर के कुछ डॉक्टर्स ज़ुबैर अब्बासी, हनीम खान एंड नूर मियां। थैंक यू। और आज हम बात करेंगे मेड लाइफ के कुछ मसले मसाइल के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद इट। अच्छा जी, पहला एक प्रॉब्लम है कि व्हाट डू यू थिंक ज़ुबैर, what are the problems faced during the first year MBBS related to academics and social life? अच्छा, सबसे पहले let's talk about academics। सही है, social life की खैर है, वो cover हो जाती है, ठीक है। आपको सबसे हाँ मतलब social life जो होती है वो कहीं ना कहीं से मिली जाती, सही है, either from your home or friends, relatives, and there's so many different people, exactly, must just vibe with anyone, ठीक है। social life की खैर है, उसमें बाद में बात करते हैं। academics, सही है। अच्छा, अगर किसी को लगता है कि वो med school आते ही first module से ही बिल्कुल perfect हो जाएगा और like उसके grades बिल्कुल set हो जाएंगे और जो ways होते हैं to learn and to मतलब basically have a grip on the subject, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, सही है। फर्स्ट मॉड्यूल जो हमारा था वो था इंट्रो मॉड्यूल जिसे कहते हैं। तो उसके अंदर ऑल ऑफ अस, मैं बता रहा हूँ, बैच में अगर 150 स्टूडेंट्स हैं तो समझो 145 बच्चों को पता नहीं था कि हाउ टू स्टडी, सही है। अब आई एम फ्रॉम ए लेवल्स ना, तो उसके अंदर वी डू हैव अ प्रॉपर करिकुलम, एक सिलेबस होता है, उसके सेट ऑफ क्वेश्चंस पता होते हैं हम लोगों को, उसका मार्किंग स्कीम होती है, सो वी हैव अ प्रॉपर थिंग गोइंग अराउंड। मेड स्कूल में सिर्फ आपको सिलेबस पता होता है, सही है। इंट्रो में ये बुक है, ये चैप्टर है, कुछ भी आ सकता है उसमें से, सही है। और एक बुक नहीं है, देयर इज लाइक 100 बुक्स। एग्जैक्टली, तो देयर कैन बी अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट फॉर यू कि आप स्टार्ट करते हैं और आपको एक बुक मिल जाएगी, भाई इसमें सारी, जैसे ए लेवल्स की होती है, ए लेवल्स की मैरी जोन्स की बुक आती है, उससे हर कोई पढ़ता है और उसी में से ही आता है पेपर, सही है। मैथ स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं है, सही है। मैथ स्कूल के अंदर यू कैन बी गिवन अ सब्जेक्ट, अ टॉपिक, और आपने, आपकी मर्जी है, आप रिसर्चेस से पढ़ लें, आर्टिकल से पढ़ लें, बुक से पढ़ लें, शॉर्ट बुक, लॉन्ग बुक, जिससे पढ़ना है पढ़ लें। सो द फर्स्ट टू मॉड्यूल्स आई वुड से फॉर मी इट वॉज लाइक दैट, आप फिगर आउट करते हैं योर वे ऑफ लर्निंग। कुछ लोग नोट्स लिखते हैं विच इज़ वेरी, हाँ शी डज दैट, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी। मेरा पढ़ने का तरीका ये है कि मैं नोट्स कम लिखता हूँ, डिस्कशन ज़्यादा करता हूँ, सो दैट आई कैन रिमेंबर इट, क्योंकि मैं बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाता हूँ, सही है। तो डिस्कशन में मुझे याद रहता है, ओ दैट टाइम आई वाज डूइंग अ डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक विद दैट पर्सन और मैंने उसको ये आंसर किया था, इसका मतलब इसका आंसर ये होगा। डिफरेंट फॉर एवरीवन। कुछ लोग नोट्स प्रॉपर लिखते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं, अब हिस्टो की डायग्राम्स कुछ लोग बनाते हैं, एनाटमी की बनाते हैं, एग्जैक्टली, लाइक हर किसी का अपना वे ऑफ लर्निंग है। आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट वीक, फर्स्ट 2-3 वीक्स में अपने आप को लाइक देखो कि मेरे लिए विच वे ऑफ लर्निंग इज़ बेटर, सही है, कि मैं नोट ज़्यादा अच्छे लिखता हूँ, मैं ज़्यादा अच्छे, रिटेंशन मेमोरी मेरी ज़्यादा अच्छी है, मैं डिस्कशन अच्छा करता हूँ, मैं ग्रुप स्टडी में अच्छा पढ़ता हूँ। जस्ट गो विद दैट। फर्स्ट मॉड्यूल में ग्रेड को मत देखना, फर्स्ट मॉड्यूल में परसेंटेज मत देखना, मेड स्कूल में वैसे ही ग्रेड एंड परसेंटेज डजेंट मैटर, यू जस्ट हैव टू फेल, क्या कह रहा हूँ, पास और फेल, सही है। यू शुडंट फेल में तो जाना, फेल हो जाते हैं वैसे इतना पढ़ने के बाद, लेकिन पासिंग मैटर्स, दैट्स इट, सही है। बाद में प्रैक्टिकल और हाउस जॉब्स में हमारे सीनियर्स बता देंगे बहुत काम आता है, लेकिन एट द मोमेंट यू जस्ट नीड टू पास, दैट्स इट। आई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग। जो आप सोशल लाइफ की जो बात की थी, इट डिपेंड्स ऑन विच यूनिवर्सिटी यू गो टू, स्पेशली इन पाकिस्तान। अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो, यू डेफिनेटली फाइंड मोर डाइवर्स बैच। आपको इंटर से बच्चे मिलेंगे, इंटीरियर से बच्चे आए हुए होंगे, यू हैव ए लेवल्स के बच्चे एज वेल, सो इट्स अ वेरी डाइवर्स बैकग्राउंड। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो है वे फ्रॉम अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो वहाँ का इट्स लाइक अ डिफरेंट डेमोग्राफिक, सो इट रियली डिपेंड्स ऑन विच university you're choosing to go to, and that really helps you figure out your social life aspect and academics. Academics is like something, again, jab aap medical school mein aate ho, it's something that's constant, you need to constantly study, and I know abhi aapko lagega ki hum kaise har roz padhenge, but ho jata hai, it's like something you just have to adapt to. So basically the problem is in the first year, the problem ye to hai ki padhai mushkil hai, ye to sahi baat hai, lekin padhna kaise hai, the first two modules mein ye bahut problem hai। To okay, I just want to say that for me personally, I don't study every day. I only study when I have to study, like 10 days before the test or something. So I think where you find your niche is where it works for you. Finding the niche is the issue. It's completely normal to not find your niche. Just chill, find it, and once you found it, it's cruising. I think you're not finding it during the first 6 months. In first 6 months it's all trial and error. Okay, so let's move on. So Noor, what do you think? What are the advantages and disadvantages of A levels background and inter background? I am from inter, so I can't really go where inter is. But A levels for me, it's given me a very easy, like coming from that vibe, it's, you know, it's given me a very easy curriculum to study. Okay, I will sit there, I will see a book, I will ratta what I see, and then जो मेरे दिमाग में questions आएंगे, I'll do them. या past papers. Again, past papers in A levels were so important, and even in med school, they're equally as important. But you don't have a lot of sources. But you don't have a lot of sources. In the university we study, we're lucky enough to have seniors who've made them. But again, if you have past papers, they are the key to passing. Also with A levels, they have a very, the fundamental principle of A levels is ratta. And I think for me, the fundamental principle of मेरे लिए तो रट्टा था क्योंकि हाँ you have to रट्टा for the marking scheme ना yeah रट्टा in the marking scheme and for me रट्टा works in med school as well. Mostly people say कि inter रट्टा है तो what do you think, inter रट्टा है या for me A level was रट्टा तो अभी relative to inter I don't know but not for me, but not for me. Yeah, again, it's just what you work with, exactly, and I think at A levels inter, maybe inter me you probably have an upper hand just because of the way the system is in Pakistan versus if you come from A levels, it's a British system. But yahan to universities mein bhi Pakistan system hota hai, so it's a little different. Maybe you have an upper hand, but alhamdulillah, I think you settle in as you know, it's just a settling process here. So, Haneem, what do you think? This is a most common question. If someone cannot pass or do not pass MCAT, so mostly people ask, if I couldn't get into med school, then what's the best option? Repeat or field change? Honestly, I know a lot of people who. The thing is, medical is a field that एक दफ़ा you made up your mind ना, आप उसी के लिए जाते हो. So I know a lot of people who didn't pass the MCAT or like they didn't get the grades in A levels or something. So majority of them take a gap year and then they give the exam again, which is completely okay because obviously there's a stigma around how long medical takes. And where you're spending 5 years. Yeah, and like अगर एक extra साल लग जाए, I don't think it's an issue. And then I think you need to consider changing. And the thing is, again, I understand there's so much pressure like from your family, from like people around you. Like एक तो आपको वो भी होता है ना, मैं medical में जा रहा हूँ, and then you don't get and it's like kind of embarrassing. वो एक उसका एक factor होता है. But I don't think वो आपको at the end of the day it's your life. It's something you have to fight through. It's not something that बस हो जाएगा. No, you need to fight through that feeling के भाई नहीं, I'll be so embarrassed and I'll be so like you know weird, like my parents will be so disappointed in me. ऐसा कुछ होता नहीं because at the end of the day जो आपके लिए लिखा है वो ही होगा. I believe in that like completely, that whatever, and if you work hard towards something and if you have a skill you should work towards that because the world is constantly changing, sahi hai? So maybe some feel that you want to go to, like I know again a lot of medical students unka jo interest hota hai na wo completely opposite fields mein hota hai, like in towards the media fields, towards fashion. I know that wo ek hota hai majority students mein who like aren't like very into medical, so that's understandable because it's a skill of yours and if you are good at it I think you should pursue it, and there are multiple opportunities that you can get to like make a difference in the world other than medicine. Exactly, just to add on के जैसी कोई भी ऐसी situation आए ना उसमें go look for example, सही है. अब मेरे अब्बू क्या करते हैं, वो हमेशा कोई ना कोई अपनी दोस्तों के एग्जाम्पल देते हैं. इन द मोमेंट ये सब फील होता है. फॉर एग्जाम्पल ओ लेवल से ग्रेड जब आते थे, जब O1 का ग्रेड आया था, सब कितना फ्रीक आउट होता था, यार पार्क सिटीज़ में मेरा बी आ गया. अभी नो वन केयर्स अबाउट इट. किसी का भी अगर किसी का ई भी आया था ना वो मेड स्कूल में, तो पीपल टॉक अबाउट द मेड स्कूल थिंग कि यार तुम ज़ियाउद्दीन पहुंच गए, अच्छा सही है, गुड सीन है ये वो. लेकिन इट्स जस्ट फॉर द टाइमिंग कि एट द मोमेंट सब लोग जा रहे हैं तो यू फील लेफ्ट आउट कि यार मैं क्यों नहीं जा रहा या क्यों नहीं हो रहा. इन द लॉन्ग रन नो वन केयर्स अबाउट इट. आप बड़े होकर अगर एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, कुछ भी बन जाते हैं ना, तो पीपल लुक एट दैट थिंग. 5-10 साल पहले एक साल का गैप ईयर लिया था, डजेंट मेक अ डिफरेंस. प्रैक्टिकल लाइफ में 1 या 2 साल लिटरली डजेंट मैटर, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, कोई भी नहीं पूछता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. मूविंग ऑन, ज़ाओ, व्हाट डू यू थिंक, इज एमबीबीएस ऑल अबाउट सेल्फ स्टडी और यू नीड सपोर्ट फ्रॉम फैकल्टी और समथिंग? इट वुड बी लाइक 80% सेल्फ स्टडी, 20% सपोर्ट इफ यू नीड. मतलब फॉर मी, अगर मैं लेक्चर्स में बैठता हूँ तो वैसे मैं आता नहीं हूँ यूनिवर्सिटी बहुत कम यूनिवर्सिटी आता हूँ मैं, लेकिन अगर आता हूँ जिस लेक्चर में मैं बैठता हूँ उसमें मेरे बॉयज़ भी इसमें मुझे वो करेंगे कि वो मुझे लेक्चर याद होता है कि अच्छा मिस ने ये पढ़ाया था, स्लाइड इस स्लाइड में ये लिखा हुआ था। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स होती हैं जो कि बस मुझे याद रह जाती हैं जस्ट बाय लुकिंग एट द स्लाइड। सो इट गोज बोथ वेज, फॉर इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी एज वेल, पब्लिक या प्राइवेट। एग्जैक्टली, इसमें बहुत बड़ा वेरिएशन आता है। एज फार एज आई हैव हर्ड, मैं कोई बहुत ही स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहा। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, फॉर एग्जांपल आर यूनिवर्सिटी ज़ियाउद्दीन में, इफ़ यू गो टू द लेक्चर आप कभी भी मोस्टली डिसअपॉइंट नहीं होते हैं। क्या काश मैं घर पे ही पढ़ लेता। प्रॉपर लाइक स्लाइड्स होती हैं, प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपको वापस मिलती है। उसके अलावा इफ़ यू आस्क जेन्युइन क्वेश्चंस तो टीचर रिस्पॉन्ड वेरी वेल, और उसके अंदर बहुत लाइक फ़ायदा होता है। क्लासेस जब भी मैं अटेंड करता हूँ मुझे वो चीज़ें याद रहती हैं, रिटर्न आराम से हो जाती हैं, बाद में निमोनिक्स बना के देते हैं, बहुत अच्छी लर्निंग हो जाती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रोज़ जब बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं तो दे सेल्फ स्टडी, वापस देखते हैं, सिलेबस कवर करते हैं, पुरानी चीज़ें देखते हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। सेल्फ स्टडी तो है एग्जाम से पहले खुद से। द थिंग इज़ मेडिकल इज़ कम्प्लीटली सेल्फ स्टडी इन माई ओपिनियन। आप टीचर्स की बातें सुन लोगे, आप भूल जाओगे आफ्टर अ व्हाइल, सही है, लेकिन या सम थिंग्स विल स्टिक। लेकिन मेडिकल इज़ फुल सेल्फ स्टडी, एंड ऑनेस्टली इन एनी फील्ड आफ्टर कॉलेज, लाइक आफ्टर ए लेवल्स, आफ्टर इंटर, खुद ही पढ़ना है। कोई भी आपको स्पून फीड नहीं करने वाला। अच्छा हनीन, एज यू सेड कि मैटर ये मैटर करता है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में। सो व्हाट डू यू थिंक विच यूनिवर्सिटीज़ आर गुड एंड वाई, एंड ऑल्सो टॉक अबाउट डिफरेंट इन्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। रियली गुड क्वेश्चन। इन माई ओपिनियन एकेडमिक्स वाइज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। If you look at your job opportunities, like after you graduate, if you're a graduate of DOW, you're definitely going to get a better job than a graduate of Ziauddin or Liaqat National or something, because ये वो ही होता है कि नाम होता है यूनिवर्सिटीज़ का, and it's just not medical, it's every field कि जिस यूनिवर्सिटी का नाम होता है आपको जॉब उसके हिसाब से मिलती है। पढ़ाई तो आप उतनी दोनों ही जगह करोगे, इन पब्लिक एंड प्राइवेट। आई डोंट थिंक दैट इज़ अफेक्टेड इन एनी वे शेप और फॉर्म। लेकिन फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज आई विल से, आई हैव हर्ड माई फ्रेंड्स दे लिटरली क्राई ओवर देयर बिकॉज देयर लाइक कि वहाँ पे बस स्लाइड्स दे देते हैं, पढ़ाते नहीं है टीचर्स। सो लाइक यू नो यू डोंट हैव दैट, you don't have something to fall back on, like you don't have anyone to guide you in a sense, they obviously a safety net. Yeah, you don't have a safety net, and I feel like that's why private universities are better, but again wahan pe aapka financial factor aa jata, like if you can afford it or not, but in my opinion प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। अब इन्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की इन्वायरमेंट्स आई थिंक अब अगेन इट डिपेंड्स के अगर आप लाइक लोगों की बातें कर रहे हैं, सो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का क्राउड एंड लाइक पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का क्राउड इतना डिफरेंट नहीं होता इन माई ओपिनियन। आई हैव सीन लाइक अ वेरी डाइवर्स ग्रुप, एज आई सेड हर जगह यू विल फाइंड सम डाइवर्सिटी, बट आई थिंक अगर आप कैंपस लाइफ देखो, कैंपस लाइफ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की डेफिनेटली बेहतर है। लाइक देयर कैंपसेस आर बिगर, दे हैव मोर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, दे हैव बिगर ग्राउंड्स फॉर लाइक क्रिकेट एंड स्टफ, आई थिंक दे हैव लाइक बेटर टीम्स। सो अगर आप ECAs की बात करें, पब्लिक इन पब्लिक लाइक नो, वैसे इफ आई एम ऑनेस्टली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक यूनिस, वैसे If no, I, no, no, no. नहीं, AKU is private. Yeah, no, no, true, I agree. लेकिन अगर हम लोग सिर्फ कराची की बात करें तो बेस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी इज डाओ। तो इन अ सेंस अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी जाओगे आप सिर्फ डाओ ही जाओगे, लाइक आई डोंट नो, आई एम जस्ट लाइक सेइंग स्टफ। JSMU भी अच्छी है, बट इन द एंड लाइक दीज आर डिफरेंट पब्लिक यूनिवर्सिटीज, उनके डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं। अगर हम सिर्फ डाओ की बात करें स्पेसिफिकली, इट्स लाइक डेफिनेटली अ बेटर पब्लिक यूनिवर्सिटी। AKU डूड, AKU इज लाइक there we can't even match it. Can I talk about AKU? I will tell you what happened with me and AKU. I will tell you. I passed the test, I gave the interview, and I got a like I got an basically I needed a B in chem, and that year we didn't give our A levels, so I didn't get a B in chem, and I was this close, so it was the most painful thing for me. But I think where it comes to like those 2 months for me were like full show, like I was in complete like matlab main completely in. It's like I was in shock. I was like, what just happened? Because I always used to say, oh, who doesn't get in on an A level? Haha, me. But again, like now I'm here at Ziauddin and I where, you know, and I feel like, you know, I was so silly then. Like it's such a small thing, you know, public, private, wherever you are, you're in a med school. And you will get an MBBS degree, you will get a PMC ka thappat jahan bhi aap ho. एंड ऑफ जहाँ भी आप हो वही ना जहाँ भी होगे यू विल स्टडी एंड यू विल गेट एन एमबीबीएस डिग्री एट द एंड ऑफ इट. इट्स नॉट लाइक यू गेटिंग अ डिफरेंट डिग्री. ठीक है, मे बी इट्स अ लिटिल डिफरेंट लेवल्स, मतलब द कैंपस इज बेटर, द कैंपस इज नॉट बेटर, टीचिंग फैकल्टी, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेरेवर यू गेट इन, it's huge to get in a medical college. Wherever you get in, be proud of yourself and move on. This is what I couldn't do, so this is my advice to all of you. Okay guys, let's continue. Noor ne camera gira diya tha, so sorry for the glitch. Okay, so Zao, tell me one thing, do medical students have any social life? University to university ke bahar, matlab overall. अच्छा, हाँ हाँ, सोशल लाइफ होती है. मेड स्टूडेंट्स डू हैव, इट्स अप टू यू. मतलब लाइक पीपल से कि मेडिकल आपको नहीं, ऑल अबाउट बैलेंसिंग एंड दैट इज़ द गुड पार्ट आई थिंक, क्योंकि लाइफ में जब बैलेंस नहीं होता तो फिर मज़ा नहीं आता. सही है. तो मेड यूनी में एक अच्छी चीज़ ये होती है कि मेड यूनी मेड स्कूल मेडिकल कॉलेज, इसमें यह अच्छी बात होती है कि क्योंकि पढ़ाई का इतना प्रेशर होता है तो आप इवेंचुअली पढ़ते हैं. जब आप पढ़ते हैं तो फिर आप खुद देख रहे होते हैं कि मैं मतलब एक टॉपिक आराम से कम टाइम में कर सकता हूँ. सही है, क्योंकि यू आर सीरियस अबाउट इट. उसके बाद बहुत फ्री टाइम मिलता है, मतलब हम लोग पूरा दिन बाहर होता है. अच्छा खासा कंपेयर्ड विद कॉमर्स यूनिवर्सिटीज लाइक IBA और समथिंग, सो कंपैरेटिवली तो कम है, काफ़ी कम होगी. Sorry, thanks. It's just very much on the priorities that you keep. Matlab for me, closer to exams, my priority is studying. So then I have no social life. But when exams are not there, then I have very much of a social life. It's just the way you place your priorities and the way you time your studying. For me, I do not study at all before the exam. So you know. And I just want to add that like हम लोग जब college में थे, like Zao and I can attest to this. College में in A levels we didn't have social life. We were always in college. So like if I compare to my college life, like A levels definitely medical uni has given me so much space for my social life. But maybe that was our college का मसला. But otherwise, yes, it was most definitely a college. Yeah. So that's what. So like in medical uni, I find it much more easier to handle my social life because again, as I said, आपकी पढ़ाई is like as she said, you want to balance it, right? तो आप जैसे balance करते like चलो आपने दिन में 3-4 घंटे पढ़ लिया, like after your classes and you go to the library, study for 2-3 hours max, like just you know revise, and then you have the entire night, entire evening free. You can go out with your friends, like chill, chai पे जाओ, whatever. I want to add one thing कि जो मेरे साथ पर्सनली ये हुआ था कि जब आप A levels में या इंटर में होते हो ना, so like in पाकिस्तान एक पता नहीं क्यों एक इस तरह है कि आप सुबह कॉलेज जाओ, फिर ट्यूशंस जाओ, कोचिंग जाओ, और उसमें आपका पूरा दिन सिर्फ क्लासेस एंड देन इफ़ यू सेल्फ स्टडी तो आपका सोशल लाइफ ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है. लेकिन इन मेड स्कूल आई डोंट थिंक सो कोई कोचिंग है, कोई ट्यूशन लेता है, तो लाइक स्केड्यूल तो लाइक ट्यूशन लेता हूँ. हाँ, मेडिकल स्कूल मैं आई हैवंट हर्ड के कोई लेता हो ऐसे, आई हैवंट हर्ड क्योंकि ऐसा लेता हो ट्यूशन ना. सो आपको अपना एक आप कर सकते हो स्केड्यूल. So once you reach medical school, you're at an age where you're basically an adult. सही है, आपका you don't want to study anymore. आपको बस you want to get out in the world. Okay, so you will find literally any opportunity you can to be out in the world rather than studying. हाँ, पढ़ना तो I'm not saying पढ़ना नहीं, पढ़ना है, but you एक या आपका once you hit 20 आपको ये dilemma होगा. ये मुझे भी बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल that I'm like 20 and I'm still not doing anything. मैं बस पढ़ाई कर रही हूँ. So that's why आपका mindset, once your mindset changes, then you will do stuff to just get out and do stuff rather than just sit at home and study. हाँ, तो प्रो टिप क्या कहते हैं, नेवर फॉल इन लव विद एनीवन इन फर्स्ट ईयर इन MBBS. सही है, स्पेशली फ्रॉम योर ओन बैच. सही है, फ्रॉम योर ओन यूनिवर्सिटी. इफ यू वांट टू डू इट भाई, इतना नहीं होता. आई वोंट से नेवर बट नॉट रिकमेंडेड. सही है, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में यू जस्ट फिगरिंग आउट योर सेल्फ, पहली बात. दूसरी बात, शुरू में हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है. सेम हैपेंड ए लेवल्स, ओ लेवल्स. सही है, नहीं शुरू में इन द सेंस के कैंपस लाइफ एंड एवरीवन लाइक सब लोग ही अच्छे लग रहे होते हैं शुरू में. ऐसा नहीं है कि सब लोग बुरे लगते हैं. यूनी में कोई भी इतना अच्छा नहीं होता. अबे हाँ, ये बात थे अपने दोस्त. Obviously you like your friends but you won't fall in love with anyone. Exactly. तो वो शुरू की एक बड़ी अच्छी सी हैप्पी वाइब होती है, उसके अंदर people do fall in. I won't say fall in love. Fall in love is इज अ वेरी बिग थिंग। हाँ खैर अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे थे, 4 साल आपके ऑकवर्ड हो जाएंगे, बहुत ही ऑकवर्ड हो जाएंगे क्योंकि ग्रुप्स बनते रहते हैं हमारे अजीब। आप थोड़ा क्रीपो बन जाएंगे, बोलेंगे यार ये बहुत जल्दी इसको जाता है, कुछ दूर रखो इसको। तो ये सीन है, थोड़ा रिलैक्स करें, दोस्त वोस्त बनाएं, सही है, 1-2 साल के लिए चिल करें, उसके बाद इफ़ यू कैन यू शुड, मतलब चैलेंज है आपके ऊपर इफ़ यू वांट टू, लेकिन नॉट रिकमेंडेड। हमारे सीनियर्स भी हमें कहते थे। दैट्स इट, थैंक यू थैंक यू। ओके सो मूविंग ऑन, नूर, अपार्ट फ्रॉम MBBS से हट के क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज द स्कोप ऑफ BDS? Zero answer for this question. When I was applying to med school, I applied like everywhere, and then I also applied BDS because when you're applying, you're quite terrified that you're not going to get in anywhere. I was तो मेरी तो जान निकली हुई थी कि oh my god मेरा होगा ही नहीं कहीं, और ये हो गया तो वो हो गया, because merit wise a lot of people are above you and a lot of people are below you. It's not like you are in the middle. ठीक है, आपके ऊपर भी बहुत लोग हैं लेकिन आपके नीचे भी बहुत लोग हैं, सो इट्स वेरी नेचुरल टू बी स्कैर्ड बट इट्स ऑल्सो okay to feel like you're in an okay place. But for me, I was freaking out obviously, so I started to apply BDS and stuff. I got in. I think it's comparatively easier to get into BDS if I'm not wrong, but I personally wouldn't go for BDS just because if I want to do MBBS, I come with a very laser focus ki maine MBBS karna hai, and usually this is what MBBS, you know, requires. Prospect like jo bhi sochte hain ki wo main MBBS karke aaunga, they do not go like sideways or divert to BDS. कम ही होता होगा, at least I think so. Just because when you merit ना बने MBBS का, हाँ, तो gap year is better या BDS start कर लेना चाहिए अगर BDS का merit हो? नहीं नहीं, BDS की कोई if you're not going to pursue it, what's the point of starting it? और बीच में ही छोड़ दो, नहीं करना। If just take a gap year, क्या फर्क पड़ता है? आपने residency के बीच में इतना time तो लग जाना है, it doesn't matter. But don't start something and then leave it in the middle. What's the point of wasting all your energy, putting that brain power into nothing? So I think where BDS is concerned, if you want to do BDS, you do BDS. But if you want to do MBBS, don't sway to BDS. That doesn't make sense to me. I would say dentistry ka like is generally jo scope hai wo like one, dentists are the highest paid, like one of the highest paid specialities. I went to get scaling done, and the guy literally was like for what 15-20 minutes, and he made 10K in 20 minutes. ये कैसा पैसा? Literally कैसा पैसा? So yes, dentists make a lot of money. People in Pakistan care about their looks a lot now. As social media like grows over here, people care more about their appearances. Profession evolves though. Even yeah, but I feel like overall, if we look at like the even dermatologists and plastic surgeons, unka like up scope बहुत है Pakistan में because of the rise of social media over here and how many influencers people are making money, like you know all of that. Point is कि हाँ, I think dentistry का अच्छा खासा scope है Pakistan में. So moving on. Sorry. This time Umar dropped, it wasn't me. Okay, so what's the scope of DPT and deformacy? ये लोग डॉक्टर होते हैं DPT फार्म के वाले? नहीं नहीं, I guess नहीं, seriously ये कोर्ट का डिसीजन, नहीं seriously आज मैं सुना था कि कोर्ट का डिसीजन इसमें आया था, they are doctors, they are doctor of physiotherapy and doctor of pharmacy. And अच्छा I want to add one thing कि इस क्वेश्चन में I want to answer this question DPT वाला. One of my friend called me some days ago, और उसका actually BDS उसने अप्लाई किया था, उसका नहीं हो पाया था उसमें, और उसने गैप ईयर भी लिया था, उसके बाद भी BDS में उसका MCAT क्लियर नहीं हो पाया. So she was like कि मैं DPT और डिफॉर्मेसी करूँ या ना करूँ, और लोग ये तो नहीं समझेंगे कि भाई मेरा मैं कर नहीं पाई इस वजह से मैंने ये किया है, इसकी रिस्पेक्ट है इस फील्ड की कि नहीं है. सो आई वांट टू से कि हर फील्ड रिस्पेक्टेड होती है इफ़ यू आर गुड एट इट, और स्कोप फील्ड का नहीं होता, स्कोप आपका होता है. इफ़ यू आर गुड एट इट तो आप किसी भी चीज़ में आपका स्कोप बन जाएगा. और अगर आप MBBS डॉक्टर भी हैं एंड आपको नहीं आता, मतलब लाइक आपको नहीं पता कुछ भी, और आप लाइक बस डिग्री है आपके पास, तो लाइक पॉइंट नहीं है इस चीज़ का कोई, तो आपका स्कोप नहीं बनेगा उसमें. हाँ, और एट दैन एमबीबीएस में भी मेन आपको जो आप लोग पैसा और जो रिस्पेक्ट देखते हैं वो बेसिकली कंसल्टेंट लेवल के बाद जाके आती है, या कोई यूएसएमएलई या प्लैब क्लियर कर ले तो तब आती है। एमबीबीएस के बाद इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ एमबीबीएस के बाद। और हाँ, सिर्फ आप डॉक्टर और आप सिर्फ वैसे हॉस्पिटल की एमरजेंसी में बैठे हुए हो गए और कुछ भी नहीं है, तो और वो नहीं हो गया। और आप प्लैब या एमएलई या एफसीपीएस भी आप जब तक अच्छे डॉक्टर नहीं हो, आपने अच्छी तरह एमबीबीएस नहीं किया तो यू कांट क्लियर इट। सो स्कोप आपका है, स्कोप फील्ड का नहीं है उसमें। सो मूविंग ऑन, लास्ट क्वेश्चन, एंड आई वांट एवरीवन ऑफ यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ईयर इज अबाउट टू एंड, डिड ज़ेडयू मेट योर एक्सपेक्टेशंस? Honestly, I've never thought about this. No, it 100% met my expectation. I came in very sad because of this whole AKU situation. I came in depressed and broken and like, oh, you know, this is the most shit school I've ever come to. And then I came, and I think because my expectation was so low, you know, my expectations became higher. But from a standpoint of where I made friends, of where I have a great group of friends who support me, who love me, and I love them, and because of them my med school's like, you know, char chand lag gaye basically. But also like just finding my groove, you know, getting the vibe of med school. And you know Urdu bhi seekh liya kya? Yeah, everybody says ke Urdu seekh li. Nahi, pehle Urdu aati thi, okay? But yeah, I think jab ek flow mein aa jata hai banda, then expectations all goes through the window. You like it, you have no option, you better like it. End off, you know. I mean, you're paying 14 lakhs, okay, you have to like it. But exactly. 15, 16 lakhs, yeah. I mean, again, it's a business at the end of the day. Like, yeah. I'm not going to comment on that, private limited companies. Anyways. No, I honestly, jab se, like, I had this idea that my medical universities mein jana hai. Ziauddin was actually on top of my list. And I used to tell people, Ziauddin jana hai. And they're like, Ziauddin jana hai? I'm like, yeah, because I know a lot of people, like, you know, smart people and, like, people with good jobs who actually graduated from Ziauddin and like they're at a very good place in their life right now, and they used to be like, okay, yeah, whatever. So like mujhe Ziauddin hi jana tha, like I was like saying public unis mein nahi hua, my next option is Ziauddin. So Ziauddin was always at the top of my list, and honestly it met my expectations. Obviously I don't know what I expected from medical universities, because obviously aapka perspective to ye hota hai ki padhai karni hai, that's it. So yeah, it met my expectations, but I feel like I still want something more. Like thoda sa, yeah, abhi to first year khatam hua hai, and yeah, it was like online, so like you didn't even like get to experience like college life completely. But yeah, I think it met my expectations, but I still expect something more. I don't know what it is though. She expects some love. For me, it's more about. हाँ ना, नहीं वो तो. For me, it's more about the people than it is for the place. सही है. तो अगर कोई कहता है कैंपस बिल्डिंग है, ये है, doesn't matter. मैं वैसे भी क्लास आता नहीं हूँ. क्लास लेता हूँ तो फिर मैं अपने दोस्तों के साथ ही होता हूँ. सही है. एग्जैक्टली, इट्स अबाउट द कंपनी. और सही है, कैंपस के अंदर इतना बड़ा नहीं है जो भी है, लेकिन बाहर कर लो पार्टी, बाहर कर लो चल हर चीज़. तो एक्सपेक्टेशन तो मेरा केस मुझे लग भी नहीं रहा था मैं मेड यूनी में जा पाऊँगा. सही है, जब मेरा रिजल्ट आया था, क्योंकि एमकैट का स्कोर मेरा इतना अच्छा नहीं था. उसके ऊपर से इस साल पीएमसी ने सबको अलाउ किया था कि हर कोई कहीं भी अप्लाई कर सकता है. सो व्हेन द लिस्ट केम ना, तो उसके अंदर कुछ 11,000 एप्लीकेंट्स थे फॉर जियाउद्दीन ओनली. 9,000, 11,000 इफ आई एम नॉट श्योर, फ्रॉम पंजाब. तो उसके अंदर मेरा मेरिट कुछ भी नहीं बन रहा था एज कम्पेयर टू जो पंजाब. अगेन व्हाट आई एम सेइंग, यू हैव टू रिमेंबर कि देयर इज पीपल अबव यू एंड देयर इज पीपल बिलो यू. एग्जैक्ट. सो इन दैट मोमेंट जब मैंने वो लिस्ट देखी थी तो आई वाज लाइक कि अब तो मुश्किल है ना, अब तो गैप ईयर लेके कुछ और चलो. जैसे एज नूर स्टेटेड अर्लियर कि मैंने उस जैसे ये वही बात है ना कि मैंने ये नहीं सर बीडीएस भी कर सकते हैं, ये बस एमबीबीएस करना है, गैप ईयर खत्म बात. सही है. लेकिन जब जियाउद्दीन हो गया तो मैंने कहा कि चलो लेट्स सी होता है क्या. सही है. लेकिन एज आई हैड स्टेटेड अर्लियर कि जियाउद्दीन बहुत ही अलग आपको एक्सपीरियंस देता है. सही, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग तो बहुत अच्छा है और बहुत ही मॉडर्न टेक्निक. और एक और चीज़ मुझे ये बोलनी थी कि यूएसएमली और प्लैब के बिल्कुल पैरेलल चल रहा होता है. तो हम लोग जब अपना कोर्स ख़त्म करते हैं ना किसी भी मॉड्यूल का, एंड वी ओपन द कैपलन की बुक्स, और कोई भी अगर हम ऑनलाइन वीडियोज़ देखते हैं, पैथोमा ही देख लेते हैं, तो बहुत जो है ना हम रिलेट कर पाते हैं चीज़ों से. उनके एमसीक्यूज़ जो होते हैं यूएसएमली के हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से अपने मॉड्यूल के या उसके बाद के. तो इसलिए जियाउद्दीन में तो बहुत अच्छा एज मिल जाता है. और जहाँ तक या श्योर, जस्ट गिव मी लाइक 10-15 मिनट्स. टेक टॉक चल रही है. तो नहीं तो पढ़ाई जहाँ तक है तो ज़ियाउद्दीन बहुत अच्छा है फॉर योर फ्यूचर। अभी तो सब कर ही लेते हैं MBBS, लेकिन इंशाल्लाह जब भी जो लाइसेंस एग्जाम्स होंगे अलग अलग उसके, तो उसके अंदर तो मुझे पता है कि अगर मैंने ज़ियाउद्दीन का सिलेबस तमीज़ से पढ़ लिया ना तो मैं आराम से क्लियर कर सकता हूँ। तो हाँ मतलब यह सारा मसला इशू ही है। खैर अब दैट्स ऑल आई वांट टू से। अब नूर प्लीज़ Go ahead. All I want to say is that the Ziauddin you will find friends. It's not that you won't find friends because there's so many different people. And you know when I came, I was like, oh my god, you know I'm from. Can I say where I am? Yeah, I was like I'm from KGS, and none of my friends were science friends. Like all of them were like economics and this thing and that thing, and so they're all gone abroad. So I was quite nervous, but when you come, you realize there's so many different kinds of people that you will find your group. You will हो ही नहीं सकता that you don't unless if you're a really खड़ूस person who just can't talk to anyone, then yeah obviously you're screwed, but like you're absolutely just screwed. But yeah, I think it's very easy to find friends where you want to, and it's very like you have to have a balance. You can't do med school without friends. Like for me, obviously I don't know, I can't talk for 5 years, my first year, so I think that's. Let me share my. Yeah. You wanna. Yeah, I just wanted to say that it doesn't matter. आप कहीं भी जाओ, not just Ziauddin. I think any medical university, you will find your group. सही है, and honestly आपका दिमाग खुल जाता है, like you know, like it's like. You get more exposure. Oh my god, this is me. Yeah, you get more exposure. I was from a very small bubble school, and now I've got like insane. Yeah, like people know that here defense ki jo schools hote hain, they're like obviously they keep you in a bubble. When you get out, it's literally a bubble, it's literally a house. But Nixer ka ye tha that there were people from every background of there, so that also gives you a lot of exposure. But no, KGS with Nixer. This is a debate for another time. Nixer ki 15 distinctions thi, KGS ki I think 8 थी. Other than that, next year के पास social life थी, corporate life थी. I think this is a debate for another podcast. नहीं एक और next video हमारी होगी, मैं तुम्हें host करना. अच्छा ज़्यादा expectation की बात है, मेरी expectation की तो actually अच्छा let's flex. मेरे A levels में जब मेरे थे कि मेरे A levels में I got 2 A stars and 1 A. सो उसके बाद लेकिन स्टिल मेरा लियाकत नेशनल में नहीं हो पाया. आई डोंट नो वाई, मेरा मेरिट था बट स्टिल आई कुडंट पास द इंटरव्यू. आई डोंट नो वाई मेरा इंटरव्यू, उन्होंने कहा आपका इंटरव्यू नहीं हुआ सही. खैर देन आई गॉट इनटू UMDC एंड UMDC में मेरा ज़ियाउद्दीन से मुझे थोड़ा लेट कॉल आई. एंड देन माई मॉम वाज लाइक कि मैंने पे ऑर्डर वगैरह सबमिट कर दिया था. माई मॉम वाज लाइक के हाँ नहीं, माई मॉम वाज लाइक कि नहीं, उन्होंने कहा था कि UMDC हो गया है और ज़ियाउद्दीन की पढ़ाई बहुत एकेडमिक्स बहुत स्ट्रिक्ट है और ये है. मैंने बहुत लोगों ने और भी सुना कि ZU की बहुत स्ट्रिक्ट क्या क्या पढ़ाई है इस तरह ना. सो आई वाज लाइक के अगर हो गया मैं लिटरली वो चाह रही थी कि मैं UMDC से चले आऊँ. उन्हें लग रहा था कि शायद इसका नहीं हो पाया तो ये एक कॉम्प्लेक्स में चले आए और ये इसका ये ZU में कॉम्पिटिशन बढ़ाई है. या हो सकता है, लेकिन आई पर्सनली वांटेड टू लाइक गो इन ZU. सो मतलब JMPC के उसमें ना, और सही है JMPC बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है हाँ, लेकिन स्टिल मैं वहाँ चाहता नहीं, मतलब मैं था कि मेरा वहाँ हो जाए. सो देन जब मैं ज़ियाउद्दीन में हुआ और लाइक आई डोंट थिंक सो कि इतना कि ज़्यादा टफ है कि आप नहीं कंपेयर पाते, मतलब ईजिली हो जाता है. सो इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड लाइक मतलब आपका मतलब इट डिपेंड्स ऑन ग्रुप एज वेल कि अगर आपका ग्रुप ऐसा है कि आप मतलब आप इस इन्वायरमेंट में है कि वहाँ पे टफ कंपटीशन है, सो इट्स गुड फॉर यू बिकॉज आप जब MLE या PLAB के कंपटीशन में जाएंगे, सो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई कंपटीशन उसके सामने कुछ है. ओके गाइज, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. ओके हैव फन एट स्कूल.